बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब हलफनामा दायर किया। अपने एफिडेविट में मायावती ने कहा कि जब भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती। दरअसल लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्तियां लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और उनसे जवाब मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मायावती की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें काफी चौंकाने वाली बातें हैं। मायावती ने कहा कि जनसभाओं को देखते हुए उनकी मूर्तियां अंबेडकर और काशीराम के साथ लगाई गई और ये कैबिनेट के फैसले के बाद हुआ था। मायावती ने दलील दी है कि अपने समाज के लिए उन्होंने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी बहुजन मिशन के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसी त्याग की वजह से उनकी मूर्तियां लगाना सही है। इसी के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति से अपनी तुलना की। मायावती ने पूछा है कि सरकारी पैसे से 221 मीटर की भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी क्यों नहीं। मायावती ने गुजरात सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति और मुंबई में शिवाजी महाराज की मूर्तियों का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में मायावती ने कहा कि देश में मूर्तियां लगाने की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा, भारत में स्मारक बनवाना और मूर्तियां लगवाना कोई नया फलसफा नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर में सरकारी खजाने से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की मूर्तियां लगवाई, लेकिन इन मूर्तियों को लेकर ना तो मीडिया और ना ही याचिकाकर्ता ने कोई सवाल उठाया। गुजरात सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति और मुंबई में शिवाजी महाराज की मूर्तियों का भी जिक्र किया है। मायावती ने अपने हलफनामे में कहा कि उनकी प्रतिमाएं लोगों की इच्छा का मान रखने के लिए राज्य विधानसभा की इच्छा के अनुसार बनवाई गई। उन्होंने कहा कि स्मारकों के निर्माण और प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए निधि बजटीय आवंटन और राज्य विधानसभा की मंजूरी के जरिए स्वीकृत की गई। मायावती ने प्रतिमाओं के निर्माण में जननिधि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और कानून का घोर उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट एक अधिवक्ता द्वारा 2009 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मायावती के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए विभिन्न स्थानों पर उनकी तथा बसपा चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लगवाने के लिए 2008, 2009 और 2010 के राज्य बजट से करीब 2000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए।